हेलो एवरीवन। सो आज हम एक लैंडस्केप कंपोज करेंगे, स्केच करेंगे। और टुडे इज़ डे 30। सो डेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेज़ में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। एक डे पे आपने प्रैक्टिस करी, सेकेंड डे वीडियो पर आपने प्रैक्टिस करी। इस तरह से आप पैरेलली मल्टीपल डेज में प्रैक्टिस करेंगे। सो यू विल सी द इम्प्रूवमेंट और आपको पता लगेगी किस तरह से कौन से दिन में क्या क्या आपने किया, और उसमें नंबर डाल के आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक लेना हो अपने स्केच पर, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज एक एक्सटीरियर व्यू, एक लैंडस्केप हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें कुछ नाव होंगी, कुछ पानी का सीन, कुछ हट्स होंगी। सो लेट्स ड्रॉ। आप वीडियो के साथ साथ जिस तरह से मैं वीडियो मेरे साथ साथ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख सकते हैं। एक होराइज़न लगभग हाफ से थोड़ा सा नीचे में लूँगा, और उसके बाद कुछ कुछ रफ लेआउट में करूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को हम बहुत रफ करेंगे, कुछ कुछ हम शेड से काम करेंगे। लगभग ये पानी का हिस्सा होगा और ये सामने की तरफ। पानी का हिस्सा होगा और यहाँ पर एक नाव। ये बोट का पीछे का ये एक एंगल है। एक यहाँ पर बोट होगी। अब देख रहे हैं, पहले जो थोड़ी सी कैमरे के करीब चीज़ें हैं उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं जो बैकग्राउंड या मिड ग्राउंड की चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको मैं स्केच करूँगा। ये कुछ कुछ चीज़ें इसमें कनेक्टेड हैं।
बूट में। कुछ कुछ यहाँ पे मे बी लटकी हुई हैं। कुछ दूर पर और कुछ बोट्स हैं। थोड़ा सा इसको मैं कम करूंगा। ये कुछ स्टेयर्स दूर, अब देख रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, यहाँ कैमरे के पास हैं तो ये बड़ी है, ये पीछे दूर छोटी और फिर उसके बाद और छोटी। देन से कनेक्टेड कुछ कुछ घर। पीछे की तरफ जाते हुए कुछ सामने की तरफ कुछ कुछ अब देख रहे हैं बहुत रफ। मैं अभी एक लेआउट बना रहा हूं। यहां पे एक बहुत लाइंस स्क्वायर्स खुद को यूज करते हुए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लेते हुए स्केच कर रहा हूँ। आगे पीछे ओवरलैपिंग लाइंस को आप देख सकते हैं। कुछ कुछ मैंने स्काई के लिए
जगह छोड़िए। एक और थोड़े सी ये हम लंबी ले सकते हैं और यहाँ पे पीछे यहाँ एक और हम थोड़ा आगे की तरफ एक और हट बना सकते हैं। ये बूट है और यहाँ पे एक उसके पास में एक सीढ़ी है और ये पाथ है वहाँ जाने के लिए। और इसके बाद हम इसके पास से ये हट क्रिएट कर सकते हैं और के ऊपर ये बॉक्स से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ आउटलाइंस कुछ लेआउट कर रहा हूं जो कि हर कॉम्पोजिशन में मैं करता हूं। यही एक सबसे फंडामेंटल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बेसिक लेआउटिंग की अंडरस्टैंडिंग होना। अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी तो हमारी ओवरऑल ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं, दूर जाते हुए कितनी छोटी हैं और पास से कितनी बड़ी हैं, वो सब क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी मैं एक रेफरेंस इमेज से को देखकर ये बना रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं। आप ये देख रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे इसमें कुछ कुछ चीजों को ठीक कर रहा हूं, कुछ कुछ चीजों के प्रोपोर्शंस को ठीक कर रहा हूं। ये इस तरफ भी एक काइंड ऑफ सीढ़ी हम रख सकते हैं और ये यहाँ से लगभग ये पानी का सरफेस हो सकता है। एक यहाँ से इसका
थोड़ा सा ये जिसकी ब्यूटी है, एक यहाँ से हल्का सा एक काइंड ऑफ कर्टेन इसका लटका हुआ होगा, जो कि हम इस डंडे से कनेक्ट करेंगे। कुछ कुछ इसमें भी ऐसी ही चीजें कनेक्ट होंगी और ऊपर तक ऐसे। पहले हम इस बोट को थोड़ा सा फाइनलाइज कर लेते हैं। एंड ऑफ ये थोड़ा सा पीछे का इसका एरिया दिख रहा है, ये इस पे कुछ कुछ बंधा हुआ है। इसके नीचे के कॉर्नर को बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसको पानी में डूबा हुआ दिखाएंगे। ये मैं 6B पेंसिल से थोड़ी शेडिंग इस पे करूंगा। पीछे के पार्ट को थोड़ा मैं डार्क ही रखूँगा, ऐसा जिस पे कुछ डार्क पेंट हुआ है लगभग। सनलाइट हमारी लेफ्ट साइड से पड़ रही है, तो हम उस हिसाब से इसमें थोड़ा लाइट शेड यहाँ पे करेंगे। इसमें यहाँ पे शेड हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, तो पहले उस शेडिंग को थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उस पे ओवरऑल बोट पे थोड़ा सा लाइट हम शेड कर सकते हैं और इसके नीचे के हिस्से पे थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं।
यहाँ थोड़ा सा मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये इसकी छोटी छोटी कुछ कुछ यहाँ विंडोज़, ये इसकी सरफेस, और ये बोट के पीछे की साइड, और यहाँ पे हल्का सा हम ओवरऑल एक शेड दे देते हैं। इसके ऊपर कुछ कुछ बना है, कुछ चीजें रखी हैं, थोड़ा इस साइड को देखें, ये पीछे का कुछ कुछ एरिया इस तरह से डार्क है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है वो मे बी डार्क है, और कुछ कुछ यहाँ हम ऑब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं, इवन यहाँ पर ये पानी के अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, हम लास्ट में भी थोड़ा सा इस पे काम करेंगे। कुछ कुछ इस तरह का काइंड ऑफ शेप्स हैं ये, इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले जाकर इसमें एक और नेगेटिव स्पेस का बहुत ध्यान रखना है,
अभी इस एरिया पे थोड़ा सा काम करते हैं। थोड़ा यहाँ पे शेड, ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ कुछ कुछ डार्क, कुछ कुछ लाइट, यहाँ बोट का रिफ्लेक्शन। यहाँ कुछ मे बी लकड़ी खड़ी हुई है। ये सीढ़ी, ये बोल पे थोड़ा शेड कर रहा हूँ मैं। हैचिंग, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, कहीं कहीं काफी काफी डार्क होता है वॉल पे, कुछ कुछ धब्बे से कुछ कुछ, तो वो हम यहाँ पे ऐसे दिखाया जा सकता है।
बोर्ड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस मैं यहाँ से छोड़ सकता हूँ। कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट को डार्क थोड़ा सा किया जा सकता है। इस बोर्ड पे थोड़ा सा हम पीछे, आगे हमने थोड़ा सा डार्क किया, थोड़ा सा पीछे हम कहीं कहीं लाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस दिखाने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है। समय काइंड ऑफ एक रेफरेंस देने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा रख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ यहाँ अंदर की तरफ थोड़ा डार्क किया जा सकता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ कुछ कुछ बारीकी से कुछ कुछ चीज़ों को स्केच करके निकाला जा सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ ग्रास, फॉलिएज, पेड़ पौधे हम शेड से भी दिखा सकते हैं। मे बी इस घर के आगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट शेड पानी में दिया जा सकता है।
कुछ कुछ शेड दे के हम पानी का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाद में हम और ज़्यादा कुछ चीज़ें डार्क करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस पर दोबारा से काम नहीं कर सकते। आप बार बार उसको कहीं कहीं अगर आपको मिटाना है, इरेज करना है, तो आप बीच बीच में इरेज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने जो बनाया वो पत्थर की लकीरें। आपको ईजी वे में जिस तरह से आपको सही लगे वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ये मुझे अभी अंदर का पार्ट नहीं चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी लाइटिंग मैंने चेंज की है एनवायरनमेंट की, सो उससे थोड़ा सा हमारी वीडियो, हमारी इलस्ट्रेशन थोड़ी सी क्लियर होगी। आप देख रहे होंगे इसमें, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बारीकी से काम कर रहा हूँ, और इसी की हमको प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे हमको अपने लेवल को अप करना है। चीज़ों को जहाँ से हम डार्क कर सकते हैं वहाँ हम डार्क करेंगे, जहाँ लाइट कर सकते हैं वहाँ पर हम लाइट करने की कोशिश करेंगे। शेडिंग आपको हेल्प करेगी ओवरऑल, इवन आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। धीरे धीरे आपको लाइंस, स्ट्रोक्स, आपकी क्वालिटी इन्हांस होगी और वो आप पेपर पर उतार पाओगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और एक और विंडो हम यहाँ पर
दिखा सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा अंदर पर्सपेक्टिव में जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक विंडो बना सकते हैं। कुछ कुछ रैंडम शेप्स भी निकालने की आपको कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि चीजों की थोड़ी सी रैंडम निकालने की आपको प्रैक्टिस हो सके। इस पार्ट को हम मोस्ट लाइकली लाइट ही छोड़ेंगे, ऊपर के पार्ट में हम बहुत ज़्यादा शेड नहीं करेंगे, उसको हम थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। नीचे के पार्ट में हमने सैचुरेशन और डार्क और शेड्स दिखाने की कोशिश की। इस तरफ हम शेड दे सकते हैं। और यहाँ पर शैडो यहाँ पे पड़ रही है, वो हम दे सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर के पार्ट में हम बहुत रैंडम लाइंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, हमारे फ्रेम को फ्रीज कर देते हैं। ऊपर थोड़ा सा और मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, लेट्स सी स्काई के लिए, और उसके बाद हम उसको एक बाउंड्री में डाल सकते हैं।
इसकी विंडोज को थोड़ा सा हम डिटेल कर सकते हैं। कहीं कहीं थोड़ी डोर में और खिड़की में थोड़ी सी डेप्थ दे सकते हैं। हल्का सा यहाँ कुछ मे बी प्लांट पौधे निकले हैं या दीवार में थोड़ी सी खराबी भी कुछ दिखाई जा सकती है। थोड़ा सा हल्का सा मैं इसमें बहुत लाइट बहुत रैंडम शेड में दिखा सकता हूँ। और यहाँ थोड़ा सा नीचे कुछ शेड देके कुछ चीजों को एनहांस कर सकता हूँ। कुछ कुछ यहाँ से शेड कनेक्ट कर सकते हैं हम इसके कर्टन के साथ पर्दे के साथ। और कुछ कुछ चीजों को हम खाली छोड़ सकते हैं। कर्टन को हम पूरा वाइट दिखाएंगे, हल्का हल्का सा उसमें क्लोथ का शेड हम दे सकते हैं।
ऐसे ये बंधा है और इसमें ऐसे हम हल्का सा एक शेड दे सकते हैं। इसके पीछे से कुछ कुछ शेड्स मैं दे रहा हूँ। अब इस जो बाउंड्री है उस पे हम शेड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और यहाँ पे भी हल्के हल्के से कुछ हम बोट का इफेक्ट दे देते हैं। और कहीं कहीं से हम इसको पूरा डार्क कर देंगे और कहीं कहीं से हम इसको हल्का शेड देंगे, ताकि जो चीज़ हम ऑल ओवर बताना चाह रहे हैं वो दिख सके। कुछ कुछ चीज़ें डार्क आप देख रहे होंगे वो मैं कर रहा हूँ। कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे बाहर लाइंस निकली हुई हैं, जैसे कि एक डेप्थ आ रही है उसमें। कुछ कुछ रैंडम लाइंस, कुछ कुछ स्ट्रेट लाइंस
मैं ले रहा हूँ। कुछ कुछ शीट्स शेडो आएगी एक बिल्डिंग की दूसरी बिल्डिंग पे। को हम ऑल ओवर शेड कर सकते हैं। और हल्का शेड हम यहाँ दे सकते हैं रैंडम। और ये हम फॉलेज कुछ कुछ ग्रास पेड़ पौधे यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। कुछ कुछ लाइट पार्ट कुछ हम अंदर की तरफ कुछ डार्क कर सकते हैं। कुछ कुछ ऑल ओवर पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि उन पर लाइट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, वो सनलाइट से अंदर हैं, सनलाइट में नहीं है, तो हम उनको थोड़ा डार्क कर सकते हैं।
कुछ कुछ पीछे डार्क की जा सकती हैं चीजें, और कुछ कुछ लाइट, कुछ कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी सी ठीक कर रहा हूँ अपनी फाइनल ड्राइंग में। दूर, बहुत ज़्यादा दूर की तरफ इस एरिया, बहुत ज़्यादा डार्क डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस एरिया को हम लाइट ही रहने देंगे। थोड़ा सा एरिया मिटा देते हैं।
कोई कोई से पार्ट मैं ऑल ओवर शेड में ले रहा हूँ। इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा शेड कर सकता हूँ, इवन यहाँ से भी। ये थोड़ा सा पार्ट के पीछे से मे बी पेड़ का एक ओवरलाइन आउटलाइन देते हुए हम इसको क्लोज कर सकते हैं। थोड़े मोटे स्ट्रोक से थोड़ा कंट्रास्ट आना चाहिए। थोड़े लगना चाहिए कि पेड़ है। इसके चारों तरफ एक डार्क आउटलाइन, कहीं कहीं ऐसे डॉट्स हम छोड़ सकते हैं, और थोड़ा सा डार्क अगर हमको कुछ कुछ फाइनल टच देने के लिए, अगर आप ये पार्ट दिख रहा होगा तो मैंने इसको ऐसे ऑल ओवर थोड़ा सा डार्क किया है, और कहीं कहीं पे हम चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में ऐसे दिखा सकते हैं, और नीचे कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे शेड्स हम दे सकते हैं। कहीं कहीं इस तरह से हम
डार्क शेड्स दे सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल हमारी लैंडस्केप में एक फील आए और हमें पता लगे कि किस तरह का लुक आ रहा है। आई थिंक मैं अब इसको ओवर कर देता हूँ और होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। प्लीज शेयर योर थॉट्स। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई कॉमेंट, कोई फीडबैक, एनीथिंग, यू कैन शेयर। Final touch. So I think we can close it now. Or I hope you have learned something from this. Or आपको जो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका फीडबैक हो यू कैन शेयर। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।